कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रजा से हो तुम मेरे जीने की वजह। ढूंढा था अब तक बस दो पल का चैन, तुम्हारे आने से है बेहद सुकून। चाहत हुई है तुमसे यूं बे इंतहा, बस है तुम्हारा ही हर वक्त जुनून। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रजा से हो। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। गिरीश गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, मजा। दिवाली वाइब्स ऑलरेडी आ रही है। कहाँ से? यहाँ से। दिवाली का स्पेशल ना, जो लोग सोना लेने वाले होते हैं ना, तो अभी से आनी स्टार्ट हो गई होगी कि धनतेरस में हम लोग ये ले लेंगे, तो इसी वजह से बहुत महंगा हो गया है। महंगा हो गया, आई नो बहुत महंगा हो गया है सोना, पर हम लोग सोना लेने वाले नहीं है। बहुत सारा सोना मैंने ले लिया है ऑलरेडी गिरीश, वो तो धनतेरस पे ही पता चल जाएगा कैसा सोना लिया है। पर धनतेरस में वो सोना दिखा उससे पहले ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो है वो सोना खरीदने का बहुत अच्छा मुहूर्त है। हम लोग सोना तो नहीं खरीद रहे हैं, पर यहाँ पे कॉइन का ढेर लगा दिया है, देख लीजिए। क्यों गिरीश? ढेर तो है लेकिन दिवाली की साफ सफाई ज्यादा लग रही है। हाँ, दिवाली की साफ सफाई ही है, क्योंकि ये इतने ज्यादा कॉइन्स बच गए थे ना बच्चों के पिगी बैंक में से और हमारे खुद के पिगी बैंक में से ज्यादा कॉइन मिले हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कॉइन्स के बारे में? देखो, एक ही मिला है, रेयर कॉइन। एनएचएस की 50वीं एनिवर्सरी थी ना, तब ये 50p मिंट हुआ था उसके। ये कॉइन है 1998 का। अच्छा, बहुत सारे हमारे पास रेयर कॉइन है। रेयर कॉइन है तो ऐसे रखेंगे, फिर बच्चों को देंगे 20-25 साल के बाद। हाँ, तो अभी उसके बाद देखेंगे कि उन लोगों को कितना मिलता है अगर हम लोग जीवित हो गए तो। तो जो बोलते हैं ना कि बच्चों का नहीं सोचते, हम लोग इतना ज्यादा सोचते, इतना ज्यादा, बताओ कितना सोचते हैं। क्यों? तो तभी तो अभी नहीं दे रहे हैं ना। रेयर कॉइन का भी ढेर लगाया हुआ है यहाँ पे ज्यादा, उसमें से 10 रुपये 20 रुपये भी मिले, 5 रुपये भी मिले। देखो यहाँ पे 10 रुपये मिले हैं हमें, वो तो इंडिया जाते आते वो है। हाँ, तो सब कॉइन मिक्स हो गए हैं। जो पुराना पाउंड था ना वो राउंड। हाँ, तो ये कॉइन मुझे कहाँ से मिले पता है गिरीश? सिर्फ किचन के ही है। कार में भी हो गए थे आगे। तो वही तो बता रही हूँ, सिर्फ किचन में से इतने ज्यादा कॉइन हमें मिले हुए है। तो और घर साफ करूंगी तो कॉइन ही कॉइन मिलेंगे सारे। कार में तो रखने पड़ते क्योंकि ट्रॉली के लिए सब कुछ। हाँ, जगह हर जगह पर कभी चेंज जाए तो रख दिए। हाँ, तो इसीलिए बस अभी कॉइन का काम का चल रहा है आज तो हमारा। सारे के सारे सॉर्ट आउट कर लेने हैं। ये 2 पेनी का देख लीजिए, मैंने इसे लगा दिया। रुपीज भी है इसमें, रुपीज मिलेंगे, कॉइन मिलेंगे। तो हैप्पी धनतेरस इन एडवांस गिरीश। ये देखो 50 के नोट। हाँ, वो सब कुछ तो हो गए ही, पर नोट्स हम दिखाएंगे नहीं वीडियो में। क्यों? नहीं, सिर्फ कॉइन ही दिखाएंगे। नहीं, ये है ना 50 की। हाँ, 50 की नोट। सबसे बड़े नोट ये वाली। हाँ, 50 की नोट है, इससे बड़ी नोट नहीं आती यूके में। हाँ, तो पिगी बैंक में तो सब कुछ निकलेगा ना, नोट्स तो ज्यादा ही नहीं, है नहीं, पर... करेंसी में जैसे इंडिया में है 2000 के इस तरह से। यहाँ पर यूके की हमारे 50 पाउंड की है। 5 पाउंड की। हाँ, सारी नोट्स आज गिरीश यूके की दिखा रहे हैं। 5 पाउंड की, 10 पाउंड की, अभी 20 पाउंड की नहीं है इसमें। मिलेगी नहीं। हाँ, रहने दो, कोई बात नहीं है। और 50 तो बता दी। हाँ, पर्पल है 20 की। तो सारी की सारी नोट्स है इसमें, नोट्स रहने देंगे। कॉइन ये हम लोग आज जाने वाले पोस्ट ऑफिस में, तो सारी की सारी जो कॉइन है ना वो दे देंगे ताकि नोट्स आ जाए वापस, उससे खरीदेंगे हम लोग सोना। सोना सोना वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे ना, ऐसा करना है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, मेरा सोने का सपना सोना ही रह गया। देखिए इतने इसमें कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है वीडियो की, वो गिरीश लोचा ही है उसमें, कवर में नहीं अच्छी आ रही है वीडियो मेरी, लोचा ही है। क्या करूं यार, मेरे साथ ही लोचा होता रहता है। ये देखो इंडिया तो अभी आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा सब कुछ, तो वो तो सबको पता ही होता है गिरीश, 5 रुपये में क्या ही दिखाना अभी आपको। 5 रुपये इंडिया का। हाँ, या इसका भी पता ही होगा, बहुत सारे लोग है यूके में। तो देख लीजिए भाई, आप लोगों के पास भी इतने सारे कॉइन होने वाले हैं फ्यूचर में, तो क्या करना है वो आप लोग समझ लीजिए। गिरीश के पास, गिरीश इतने सारे कॉइन हो जाए इकट्ठा तो क्या कर सकते हैं लोग, बता दीजिए। ये कहाँ का है? गोल्डन। गोल्ड है रियल? गोल्डन कॉइन है देखो, ऑस्ट्रेलिया का।
ऑस्ट्रेलिया ने कैनेडा का है, उसके पर भी एलिजाबेथ का ही पिक्चर है, वन सेंट है। तो कैनेडा में एलिजाबेथ छे ऐसे नहीं। क्या गई नहीं बिचारी तो बिचारी तो ये रेन होगा नहीं होगा कैनेडा में कौन गया था हमारा तो कोई गया ना कैनेडा कैसे आ गया शॉप थी ना तब वहाँ पर आते होंगे ये वाले सब ये सब हाँ तो कोई बात नहीं चलो कैनेडा के पैसे भी दिखा दिए पहले तो उसको सॉर्ट आउट करने होते ये जो कॉइन बैग है इसमें डाल के ये कॉइन बैग पोस्ट ऑफिस से मिल जाती है ना आप बैंक में अपने बैंक में जमा करवा सकते हैं हाँ। और इसमें सब लिखा होता है कि कितने डालने होते हैं एक और दो पाउंड के कितने एक बैग में जाएंगे तो 20 pounds जाएंगे इस तरह से तो इस तरह से आपको सेपरेट करने हैं बैग और फिर डिपॉजिट करवाने हैं अच्छा तो देखते हैं हम लोग आपको बताएंगे एंड ऑफ दिस ब्लॉग कितने मिले 100 pounds हो गए 200 हो गए ज्यादा होंगे चलो यार पेनियों में तो क्या ही होगा ये पेनियां बहुत ज्यादा कलेक्ट करेंगे ना तभी मिलेगी एक पाउंड का करने होता है एक बैग में चलो फटाफट कर लेते हैं कितना लगे गिरीश कितना आज से अंदर 330 pounds थी गया no. चलो सोना लेके आते हैं मेरे लिए सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा रंग नहीं पर सोना तो लाऊंगी इस बार चना है लेना है પોસ્ટ ઓફિસ છે ને ઓફ લાયસન્સ ની અંદર છે જેમ અમારે હતી ને એવી રીતના તો અહિયાં આ રીતે કરીને આપવાના હોય અંદર આમાં શું હોય ખબર આ વેઇટ હોય ને એના ઉપરથી લોકોને ખબર પડે કે આ 1 pound ના કોઈ આટલા બરાબર ના કેટલા થયા ગિરીશ 330 કોન્ટેક્ટલેસ માં આવશે ગિરીશ મારે જવાનું હતું કાર્ડ ભૂલાઈ ગયું ગિરીશ ને મોકલે પાછા કાર્ડ લેવા માટે મને એમ કે કોન્ટેક્ટલેસ માં ટ્રાન્સફર કરી દેશે મારા ફોન માં મારે લોસ ગયો ગિરીશ ને મોકલ્યા કાર્ડ લેવા આપણે લોસ ગયા આજે 350 નો ચાંડલો 330 નો જોકે નોટ ફેર ગિરે ટ્રાન્સફર કરો ઘર સાફ કરી મે કોઈ આટલા બધા ગોત્યા લે કાય તમારા શોપ ના નોતા મારા ઘર માંથી ગોતી ગોતી ને કાઢ્યા હતા આટલા કોઈન મે અને એમાં ગિરીશે છે ને બૂચ મારી લીધું લાય ઓછા ને ખર્ચો વધારે કરશો જો ફ્યુઅલ પતાઈ દીધું તો એમાં નહીં નાખી દેવાનો ફોકસ તો યહાં લગાના ચાહીએ દેખ લીજિએ શિવાંશભાઈ કે લિયે લેકે આયે હૈ હમ લોગ યે બહોત હી અચ્છે સે દીવા तो वो पेंट कर रहा है शिवू तो ये अभी दूसरा कहाँ गया दो पैकेट थे एक पैकेट फजी किचन वाश है तो एक तेरा है और एक आधिका है ठीक है तो देखते हैं कौन मस्त पेंटिंग करके दिखाता है इस बार हम लोग जो है ये पेंट किए हुए दिए जलाने वाले हैं अरे वाह जो बे कितना मस्त बैसे गया छे आज तो इतना फाइन बद्धा दीवड़ा बनाया छे जो है ने है आजे मजा आ रही દોનો કો પાંચ પાંચ દિયે ગયે થે આદિ ને તીન કર દિયે બતાવો આદિ કેવા કર્યા તે मॉर्निंग के साथ हो रहा है हमारा व्लॉग शुरू आज बनाने वाला है पिज्जा पूरी हम लोग दिवाली आ गए वैसा लग रहा है आज तो सुबह सुबह पता नहीं कैसे एकदम से रेडी हो गई हूँ व्लॉग के लिए आज तो आज बनाने वाले है पिज्जा पूरी तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं कोई बकवास किए बिना सीधा पॉइंट पे तो इस बार ना हम चोला फली जो लाए है ना वो शायोना की लाए है ये जो है BAPS में शायोना है तो वो बनाते हैं तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी होने वाली है ट्राई करूंगी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी फाल्कन से ली हुई है पर जो BAPS मंदिर है ना उसमें शायोना नाम का
रेस्टोरेंट है और यहाँ पे कौन सा नाम है वो पता नहीं, पर लंदन में है तो वहां पे भी बहुत अच्छे मिलती है। तो ये छोला पली डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं, मठिया ऑलरेडी है मेरे पास और पिज्जा पूरी आज बनाने वाले हैं और क्या क्या बना है ये घुघरा भी डेफिनेटली बनाने वाले हैं। यूनिक चीजें सारी की सारी बनने वाली है इस बार तो दिवाली में, कॉमन जो हर साल में बनाती हूँ ना वो नहीं, थोड़ा ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। तू हवे सु बनाओ छो? मैं आज बना रही हूँ पिज्जा पूरी। तो पिज्जा पूरी के लिए सुबह से ना शिवम बोल रहा था कि आज क्या खाने में है, कुछ भी नाश्ता नहीं था। तो वैसे भी दिवाली आ रही है ना तो मैंने कुछ लाया भी नहीं था, मैंने सोचा कि घर पे सब कुछ बनाएंगे ना तो वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कट कर रहे हैं गार्लिक, पिज्जा पूरी है तो गार्लिक तो चाहिए होगा, तो थोड़ा सा गार्लिक पहले कट कर लेती हूँ, उसके बाद क्या क्या करती हूँ वीडियो में बताती हूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन। इसके लिए ले लिया है यहाँ पे हमने एक बर्तन, इसके अंदर डाल देंगे पहले बटर एंड ऑयल। यहाँ पे ऑलरेडी भूख लग गई है, आई एम मेकिंग पिज्जा पूरी, ओके यू नीड टू वेट फॉर दैट। और यहाँ पे तैयारी के लिए गार्लिक चॉप करके रखा हुआ है, ओरिगानो है, यहाँ पे चिली फ्लेक्स है और ब्लैक पेपर है। इन शॉर्ट पिज्जा में जो जो डलता है ना, मसाले वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है, चीज अभी लाना बाकी है, वो चीज भी डालनी है। तो पहले ऑयल और बटर तवे पे डाल देते हैं और एक जो है वो स्लरी जैसा बना देना है। बटर एंड ऑयल डाल दिया है, गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हम लोग क्या, तो ये गार्लिक। गर्म हो गया है, गार्लिक डाल देते हैं जल जाए उससे पहले। तो गार्लिक डालने के बाद थोड़ा सा गार्लिक को भी पका देना है। तो गार्लिक हमारा अच्छे से पक गया है, उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग चिली फ्लेक्स। जिस तरह से आप लोग खाते हैं उसी तरह से, और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम लोग ओरिगानो। ओरिगानो मेरे घर में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है। जो है ये रेडी हो गया है, तो अभी गैस कर देते हैं बंद और साइड में रख लेते हैं रूम टेम्परेचर में आ जाए तब तक इसको साइड में रख लेते हैं यहाँ पे। तो मजेदार बात इसकी ये है कि हम लोग ये पूरी जो है वो मैदे की नहीं बनाने वाले, गेहूं के आटे की बनाने वाले हैं। तो गेहूं का आटा यहाँ पे ले लिया है, ये भी आ गया है रूम टेम्परेचर में, तो इसको डाल देते हैं आटे के अंदर। अभी मस्त स्मेल आ रहा है पिज्जा से पूरी ऑलरेडी, अभी हाँ। मैंने सिर्फ यही बनाया है। एनीवे अभी इसके अंदर अभी हम लोग ये डाल देते हैं, गार्लिक है ना इसीलिए बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो अभी इसके अंदर क्या डालेंगे, आटे के अंदर डालेंगे हम लोग सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी डालनी है, बहुत ज्यादा नहीं, पिंच ऑफ, ताकि कलर अच्छा दिखे। और अभी बस इसको पिज्जा पूरी हो और उसमें चीज ना हो वैसा हो ही नहीं सकता, तो अभी हाँ, चीज चीज ना खुज पड़े ना खुज पड़े तो अभी चीज डाल देते हैं। पहले तो खाली टमाटो पूरी बनी जाए, टमाटो पूरी नो टमाटो हाँ, चीज ने टमाटो हो ना पिज्जा में। अभी जा रहे हैं इसके अंदर चीज, वाह यम यम, शिव की फेवरेट चीज है ना। अभी ये हमारा रह गए है ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर भी डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा। तो पहले ये सब कुछ हम लोग कर लेते हैं मिक्स अच्छे से और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद एकदम सख्त आटा गूंदना है इसका। रेडी करके दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। तो देख लीजिए आटा है यहाँ पे तैयार, अभी बेल लेते हैं। तो यहाँ मैं बेल रही हूँ पिज्जा पूरी के लिए पूरी, यहाँ पे नींबू जितना ही आटा लिया है, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, जैसे रोटी हम बनाते हैं ना उतना ही लुआ लिया है ताकि अच्छे से मेजरमेंट के साथ हमारी पूरी बनके रेडी हो। यहाँ पे आटा देख लीजिए इतना मैंने गुना है, अभी मुझे नहीं लगता कि दिवाली आएगी उससे पहले खत्म हो जाने वाली है। आटा थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, बहुत ही यम था, शिवान को लगा कि बन गई ऑलरेडी पर बनी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटी नहीं पतली सी। तो यहाँ पे बेल दी है मैंने और इसमें हम लोग जो है वो ये ऐसे, तो इसमें ऐसे हम लोग फोक की मदद से कर देंगे ताकि
पूरी जो है वो फूले नहीं, क्योंकि फूलेगी फिर अच्छी रहेगी नहीं, अच्छी नहीं रहेगी, तो इसीलिए अभी ये हो गया है। तो स्पेशल थिंग है कि इसको कट कैसे करें, पिज्जा के जैसे ही कट करना है। तो ये हो गए चार, अभी चार नहीं रखने हैं हम लोग, इस तरह से करेंगे ताकि एग्जैक्टली ये पिज्जा के शेप में होके रेडी हो। तो अभी फ्राई कर लेते हैं, थोड़ी मैं बेल लेती हूँ और उसके बाद फ्राई करेंगे। मम्मा टोटिया चिप्स जो थोड़ा अलग लगे छे ने, है ने? हाँ, टेस्ट में आया तो पिज्जा जो अलग से ने? चलो अभी थोड़ी बेल लेती हूँ, उसके बाद फ्राई करेंगे इकट्ठा। ओके, है यहाँ पे गैस पे रख दिया है ऑयल फ्राई करने के लिए, और स्प्रिंकल करने के लिए जो मसाला मैं बनाने वाली हूँ वो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें यूज किए हैं, मोस्टली वही है। तो अभी तो दिखाने के लिए बनाया है, तो इसीलिए चिली फ्लेक्स डाला है और ब्लैक पेपर डाल दी है और जो है हमारा ओरिगानो डाल दिया है। तो इतनी चीजें इसके अंदर डाल दी है ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए, और ऑयल आ गया है बातों ही बातों में। फ्राई मीडियम गैस की फ्लेम में फ्राई करना है ताकि कच्ची भी ना रहे और अच्छे से फ्राई होके रेडी हो जाए हमारी पिज्जा पूरी। देखिए कितनी यम्मी दिख रही है ऑलरेडी, आई कांट वेट टू ईट। तो फ्राई होना ऑलरेडी हो गया है स्टार्ट हमारा पिज्जा पूरी यहाँ पे। उलाला वहां तक खुशबू आ गई, फ्राई करते है तो अपनी इतनी तो, क्योंकि इसके अंदर है ओरिगानो, चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स मैंने भावे, हाँ तो सब डाला हुआ है। तो अभी रेडी करके देती हूँ प्लेट इन लोगों को, यहाँ पे देख लीजिए, आ जाइए नजदीक, चलिए फटाफट। यू सी बबल बबल गेटिंग रेडी, मस्त स्मेल आ रही है। तो देख लीजिए यहाँ पे इतनी बनी हुई है, इन लोगों को दे देती हूँ वरना नहीं रह पाएंगे। पहले भगवान को चढ़ाना है शिवांश प्रसाद। हाँ। अंदर हम लोगों ने डाल दिया है जो मसाला बनाया था वो, और अभी डालेंगे चीज। आदि इज वेटिंग, आदि वेट नहीं था तो बेटा यू कैन वेट, दूर रहे दूर रहे दूर रहे बेटा। भगवान ने जी खा लिया है ये, अभी खाएगा आदि। आदि टेस्ट इट, सारू छे, केटलू सारू छे, बहुत सारू छे, पिज्जा जेवू लागे छे। आ गया है हमारा मेन सदस्य सीखने के लिए, आई मीन चखने के लिए। पिज्जा जेवू लागे छे, यम्मी पिज्जा थी, तो बेटर छे पिज्जा थी, नहीं बेटर छे, वाह वाह वाह। एनीथिंग दैट टेस्ट इज नॉट बेटर देन दिस, इज इट? ओ माय गॉड, सो गुड, सो गुड, ओके, द बेस्ट थिंग यू एवर मेड, थैंक यू आदि। ओ माय गॉड, सो गुड, सीरियसली ट्राई करना यार, बहुत यम्मी बनती है। तो बस वीडियो का भी यहीं पे एंड कर दे रही हूँ, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए अच्छी अच्छी सी भर भर के, क्या क्या नेक्स्ट आप लोग बनाने वाले हो। मैं बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपी लाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, आई मीन कल के ब्लॉग में ही आएगी डेफिनेटली, और कहा ना गया है तो वो भी टेस्ट करेगा, वो कल सब कुछ आएगा। बाय।